नमस्कार आज इस वीडियो में हम देखेंगे कि पुराने पेट दर्द की समस्या को होम्योपैथी द्वारा कैसे ठीक किया गया वीडियो को पूरा अवश्य देखें ताकि आप पूरी तरह से समझ सकते एक पेशेंट करीब आयु 28 वर्ष इलाज के लिए मेरे पास आए उन्हें तीन साल से पेट में दर्द होता था और पेट फूला रहता था यह कष्ट खास तौर पर छह बजे प्रातः काल या चार बजे शाम में बढ़ जाया करती थी उसे ऐसा प्रतीत होता था कि पेट के भीतर बुलबुला सा है और ऐसे में वह हमेशा सोडा पीना पसंद करते थे सोडा पीने से थोड़ी सी राहत उन्हें मिलती थी खाने के बाद कुछ देर के लिए पेट का फूलना रुक जाता था गैस पास होने पर उन्हें राहत मिलती थी गर्म पदार्थ पीने से भी उनका कष्ट कम हो जाता था नींद ठीक ठाक थी परंतु प्रातः 6 बजे पेट के दर्द से फिर वह सो नहीं सकते थे नींद उनकी खोल जाया करती थी चुके प्रातः छह बजे उन्हें पेट दर्द अक्सर हुआ करता था जिससे वह सो नहीं पाते थे भूख का बात करें तो भूख ठीक ठाक थी किसी खास वस्तु की इच्छा या अनिच्छा का कोई लक्षण नहीं था कभी कभी पेट से डकार उठने पर गले तक जलन महसूस होती थी रोमेटिक पेन प्रायः रहता था मोडालिटी अर्थात सर्दी गर्मी का कोई विशेष लक्षण नहीं था न ही मौसम का उसके लक्षणों पर कोई प्रभाव पड़ता था मानसिक लक्षणों को देखेंगे तो जब गुस्सा आता था तो उनकी परेशानी बढ़ जाया करती थी कोई चिंता नहीं थी गुस्से का स्वभाव था परन्तु अपने को काबू में रखते थे ध्यान केंद्रित नहीं कर सकते थे अब उपचार की तरफ बढ़ेंगे तो पहला उपचार ऐसा हुआ कि इस रोगी के लक्षण कुछ विशेष स्पष्ट नहीं थे परंतु मैंने देखा कि शाम चार बजे पेट के रोग में वृद्धि होती है और इसी लक्षण के आधार पर मैंने उन्हें लाइकोपोडियम एक हजार पावर की चार बुन दिया करीब दस दिनों बाद वो फिर से आए और उन्होंने कहा कि इससे उन्हें कोई लाभ नहीं हुआ अब फिर से मैंने क्या किया उनके लक्षण दोबारा लिए गए उन्होंने कहा कि प्रातः काल बजे पेट का दर्द ऐसे उठता है मानो दर्द की लहरें उठ रही हों दर्द के समय घुटनों को पेट के के साथ सटाकर लेट जाते हैं दर्द मारे इधर उधर करवटे बदलते रहते हैं अगर गुस्सा आए तो रोग बढ़ जाता है गर्म कॉफी पीने से उन्हें काफी आराम मिलता है फिर इस रोगी के लक्षणों का रिपोर्टरी में मैंने देखा प्रयोग किया तो मैंने देखा लक्षण की दर्द चुकी छह बजे प्रातः बढ़ता है तो ये किन किन दवाओं में है तो ये कोलोसिंथ और ऑक्जेलिक एसिड में पाया जाता है खासकर कोलोसिंथ इसके सेकेंड ग्रेड की मेडिसिन हुई जिसमें प्रायः देखेंगे कि कोलोसिंथ में दर्द 6 बजे सुबह में बढ़ेगा दर्द शाम 4 बजे भी बढ़ता है ये किन किन दवाओं में है तो कॉस्टिकम कोलोसिंथ बेलाडोना लाइकोपोडियम मैग्नीशिया म्यूर और फाइसो स्टिग्मा यह लाइकोपोडियम टॉप ग्रेड की मेडिसिन हुई लेकिन यहाँ कोलोसिंथ का भी स्थान है और कोलोसिंथ में भी दर्द शाम में चार बजे बढ़ता है क्रोध के लक्षणों में वृद्धि अगर क्रोध से लक्षणों में वृद्धि हो जाए तो यह किन किन दवाओं में पाया जाता है तो कैमोमिला कोलोसिंथ नक्सवोमिका कैमोमिलाग्रिया और सल्फर यहाँ इन्ही दवाओं में है कि क्रोध से लक्षणों में वृद्धि होती है यहाँ पर कैमोमिला कोलोसिंथ नक्सवोमिका कैमोमिलाग्रिया और सल्फर सल्फर सेकेंड ग्रेड की मेडिसिन है कॉफी पीने से रोग का घटना रोग का कम हो जाना यह कोलोसिंथ टॉप ग्रेड की मेडिसिन है और कोलोसिंथ में पाया जाता है कि कॉफी पीने से रक्षण में कमी आती है क्योंकि यहां मैंने चार लक्षण लिए और चार लक्षणों में मैंने देखा कि उक्त लक्षणों में कोलोसिंथ प्राय सभी लक्षणों में पाया गया है इसलिए इस बार मैंने उन्हें कोलोसिंथ एक पावर की चार बूंद खाने को दिया कुछ दिनों में रोगी आए और कहने लगे कि अब वह बिल्कुल ठीक हैं। उसने आकर कहा कि अब प्रातः छह बजे उठने पर उन्हें दर्द महसूस नहीं होता है और न ही शाम में चार बजे होता है नींद ठीक आती है वात का जो दर्द था रोमेटिक पेन वो भी धीरे धीरे ठीक हो गया है परंतु थोड़ी बहुत गैस की शिकायत अभी भी उनकी बनी हुई है और इस गैस की शिकायत जो बनी हुई थी उसके कारण मैंने अब उन्हें दस हजार टेन एम पावर की चार बूंद लेने की सलाह दी इस पोटेसियो को लेने पर उनकी तबीयत थोड़ी सी बिगड़ी एग्रेवेशन थोड़ा सा हुआ रोग थोड़ा सा बढ़ा परंतु तो धीरे धीरे वह पूरी तरह से ठीक हो गया और अब वह पूरी तरह से स्वस्थ है कोई शिकायत नहीं रही इस केस में मानसिक तथा व्यापक लक्षण नहीं थे केवल कुछ विशेष लक्षण के आधार पर ही दवा का चयन किया गया था ये विशेष लक्षण भी पहली बार पकड़ में नहीं आए थे दूसरी बार पकड़ में आए थे क्योंकि ये बिल्कुल स्पष्ट थे इसलिए इनके आधार पर दवा दी गई थी जिससे से लाभ तो बिल्कुल नहीं हुआ था और इसलिए कोलोसिंथ इन्हें देना पड़ा इस रोगी में लाइकोपोडियम और कोलोसिंथ के लक्षण काफी मिलते जुलते थे अब लाइकोपोडियम से लाभ नहीं हुआ तो फिर रोग के आधार पर रिपोर्टरी के आधार पर उन्हें कोलोसिंथ दिया और उससे उनका रोक पूरी तरह से ठीक हो आशा करता हूं कि यह वीडियो मेरी आपको पसंद आई होगी अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करना ना भूलें धन्यवाद